ओके okay, अब मैं आ रहा हूं, अब मुद्दे पे आ रहा हूं। आप लोगों ने अपने आरोप प्रत्यारोप लगा लिए, लेकिन सीमा जी मेरी बात का जवाब पहले आप। जी, क्या बेरोजगारी उत्तराखंड में एक अहम मुद्दा है या फिर नहीं? वो 4,75,000 जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिनकी है, संख्या उससे भी कई ज्यादा है, वो आप भी जानते हैं, क्या ये मुद्दा है उत्तराखंड में या फिर नहीं? बिल्कुल है, मैं इससे तो डिनाई कर ही नहीं हूँ कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में आप भी अच्छे से जानते हो कि उत्तराखंड में इतनी जॉब नहीं निकल सकती, इतने लोगों को फिर भी निकाली गई है, अभी 20,000 लोगों को जॉब देने का है। साढ़े चार साल में आपने कितनी नौकरियां दी? साढ़े चार साल में आपने कितनी नौकरियां दी युवाओं को? आपके पास रिकॉर्ड आया था 17,000 का? तिलक जी मैं इसमें मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास कोई रिकॉर्ड? दीप भाई प्लीज एक सेकंड, दीप भाई मैं चाहता हूँ मुद्दे पे बात करेंगे। 20,000 का टारगेट रखा हुआ आपने कि हम नौकरियां अभी देंगे, जो भी नौकरियां खाली पड़े हैं रिक्त पद उनको 20,000 का टारगेट रखा कि आप नौकरी देंगे। 4,75,000 बेरोजगार पंजीकृत हैं आपके बेरोजगारी सेंटर पर। अच्छा एक बात बताइए तिलक जी, आप अच्छे से जानते हैं क्या 4,00,000 लोगों को सरकारी नौकरियां एक छोटा सा स्टेट दे सकता है? क्या धरातल पे ये उतर सकती है? जब आपने विजन, मैं बता रहा हूँ, जब बच्चीदा ने विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, आपका विजन डॉक्यूमेंट किसने बनाया था? सभी बच्चीदा ने कहा था, बच्ची सिंह रावत ने जी, बच्ची सिंह रावत ने, आपने वो विजन डॉक्यूमेंट पढ़ा मैडम? जी लेकिन सर उसके बाद आप देखिए तो सही, इसीलिए कह रहा हूँ क्या हुआ ये जो बेरोजगारी की समस्या, जिस दिन आप उत्तराखंड में, नहीं मैं तो चुनौती देकर कह रहा हूँ कि आप लोग अपने आंकड़े जारी करिए ना कि 4.5 साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, नाम के साथ विभाग के साथ क्यों नहीं जारी करते? मैं तो रोज बोलता हूँ नंबर दिए, हम मिलाएंगे यहाँ से रैंडमली चेक करेंगे किसको रोजगार दिया आपने। रोजगार तो देखिए सर, रोजगार कंटिन्यू दिए जा रहे हैं और अभी भी समूह गौ के देखिए एग्जाम है, कल है, उसके बाद गौ के फिर एग्जाम है, 12 तारीख को एग्जाम है, और तुरंत इसी यानी कि अभी की अभी उनका सिलेक्शन हो जाएगा और अभी की अभी ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो कितने लोगों को तो अभी चार साल में कितने एग्जाम हुए और कितनी भर्तियां हुई, मैं वो पूछ रहा हूँ। तो वो आपको मुहैया करा दी जाएगी, ये आप मानती है ना? कितने लोगों को बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जो, नहीं बिल्कुल मुद्दा वो तो ये खाली उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में बेरोजगारी तो इस समय वेरी गुड है ना, क्योंकि कोरोना के कारण कितने बच्चे जो है बेरोजगार हो गए कोरोना के कारण, कहाँ कहाँ से जो थे विदेशों में भी जो सेटल थे वो भी हमारे भारत में आ गए कि यहाँ पे आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो मिल गई, किन्हों को नहीं मिली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने रोजगार दूर करने के लिए, आपने बेरोजगारी दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जो उपलब्धि हासिल की, जो आंकड़े आप कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, क्या वो नंबर विभाग अनुसार और उनके नाम वो सार्वजनिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, आप मांगिए विभाग से, सूचना मंत्रालय से आपको मिल जाएगा। मैं मांग रहा हूँ, न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार पिछले एक महीने से हम ये आंकड़े मांग रहे हैं, नंबर नाम के साथ, हम बैठ के लाइव में फोन मिलाएंगे रैंडमली जी, जिसको आपने नौकरी दी है जी मिला लीजिएगा, चुनौती स्वीकार करा दी जाएंगे आपको, आप उनसे शिक्षा मंत्रालय में एक डाल दीजिए एप्लीकेशन। सीमा जी आप कह दीजिए, मेरी तो इतनी अप्रोच नहीं है जी, मैं तो आप लोगों से दरख्वास्त कर सकता हूँ कि वो नंबर आप नाम विभाग जिसको आपने नौकरी दी है वो उपलब्ध करवा दीजिए बस। जी 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 आपकी बात फॉरवर्ड कर दी जाएगी, बात कि जितनों को दी है उतने के नाम सहित एड्रेस सहित आपको मुहैया करा, मैं तो सार्वजनिक कर दूंगा जी जी, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो रैंडमली चेक करेंगे लाइव में फोन करके पूछेंगे। बिल्कुल सर पूछ लीजिएगा, देखिए ये बात मैं तो आपको नौकरी मिली, कब मिली, कैसे मिली है और किस विभाग में मिली, बस यही तीन सवाल होंगे। विभाग ठीक है बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा ना, लेकिन पे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हाँ काला चश्मा हटा दे और ये लोग सोचे अपने राज्य के बारे